दोस्तों, जो आप अभी देखने जा रहे हो फ्लक्चुएटर प्रोटोटाइप 4 है, जिसमें आप देखेंगे स्पीकर का मैग्नेट को कटिंग करके लगाया गया है। और इसका प्रोपेलर बड़ा किया गया है। और इसमें 25 वाट का कॉइल बनाकर लगाया है। और ये छोटा मोटर में भी चल सकता है, लेकिन छोटा मोटर मार्केट में अवेलेबल नहीं है, उसीलिए इसको सिलाई मशीन का मोटर निकाल के लगाया है। और ये टेक्नोलॉजी को और एडवांस बनाने के लिए इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग स्पेयर पार्ट की ज़रूरत है। ये अभी सिर्फ जुगाड़ स्पेयर पार्ट से बनाया गया है, और फ्लक्चुएटर जुगाड़ स्पेयर पार्ट से बनाना बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि उतना एफिशिएंसी डिलीवर नहीं करता है। चलिए आप देखते हैं लो आरपीएम में ये बल्ब जलता है क्या नहीं। जल रहा है, अभी इसको फुल आरपीएम में चलाते हैं। अभी हम बल्ब निकाल करके शॉर्ट सर्किटिंग टेस्ट चेक करेंगे, ताकि इसको लोड को शॉर्ट सर्किटिंग करने पे ज़्यादा वाटेज लेता है क्या नहीं, उसका टेस्ट कर लेते हैं। टेस्ट रिपोर्ट में मालूम चला है कि शॉर्ट सर्किटिंग पे ज़्यादा वोल्टेज नहीं लेता है, और ये पूरी तरह नया टेक्नोलॉजी से पावर जनरेट हो रहा है, जिसमें मैग्नेट और आर्मेचर कॉइल को घुमाया नहीं गया है, सिर्फ ये प्रोपेलर को घुमा के इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जल्दी से जल्दी फ्लक्चुएटर डिवाइस इंडस्ट्री से बन के आप तक पहुँचे, और कमेंट और सवाल ज़रूर करना।